जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर धरना दिया और अपनी मांगों के समर्थन में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया और मांग की कि घटना के दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध जाँच कर कड़ी कार्रवाई की जाए, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से तत्काल त्याग पत्र दिलाया जाए, मृत बच्ची के परिवारजनों को 25 लाख तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। शर्मिंदा है, कारगिल जिंदा है, क्योंकि सरकार हाय 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 सरकार हाय 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 सरकार हाय 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 हाय। हाथरस की पीड़िता है, थोड़ा सा तेज बोलिए, जिसके साथ पुलिस दरिंदगी करती है, उसकी जीभ काट ली जाती है, वो अस्पताल में जाती है, मर जाती है और उसको पुलिस अपने तरीके से उसका जो है दाह संस्कार कर देती है। मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में जो पुलिस की भूमिका है एक कार्यपालिका के रूप में, वो सरासर निंदनीय है और पूरी कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह जगह आंदोलन की थी। आज हम लोगों ने भी उस हाथरस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आजमगढ़ में प्रदर्शन करने का काम किया है और आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन को मैं बता देना चाहता हूँ कि हाथरस की पीड़िता के साथ जो जघन अपराध पुलिस ने किया है, जिस तरह की ना इंसाफी अनदेखी पुलिस ने की है, उसी तरह का मामला प्रत्येक जनपद में है, क्योंकि योगी सरकार आत्मुग्ध है, वो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए काम नहीं कर रही है, पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी है। खासतौर से दलितों पिछड़ों के साथ जोरों पर अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में अगर आजमगढ़ जनपद का पुलिस प्रशासन यह जान ले इस ज्ञापन के माध्यम से कि हाथरस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और आजमगढ़ में अगर इस तरह की घटना होती है तो हम आजमगढ़ पुलिस प्रशासन का योगी सरकार की ईंट सीट बजा देंगे। और आज इस ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि देश के मुख्यमंत्री को, जहां इस तरह के कई पीड़िता हमारे यहाँ सत्यनाराम जैसे की हत्या हो जाती है, वहाँ पीड़िता का बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, रोज इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूँ कि कैसे योगी को, जिसको सामाजिक जनजीवन से पारिवारिक जनजीवन से दूर दूर तक मतलब नहीं है, उसको मुख्यमंत्री रहने का एक मिनट का वक्त नहीं देना चाहिए, उससे इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ ही साथ पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए। जिस तरीके से पुलिस ने उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ रखकर उसको उसकी लाश को जलाने का प्रयास किया गया है पुलिस द्वारा और उसके परिवार की गैर मौजूदगी में उसके शव को जलाया गया है, ये कितना सही है और कितना गलत है? मैं कह तो रहा हूँ कि ये इससे बड़ी मानवीता का ह्रास कहाँ संभव हो सकता है। मतलब इससे बड़ी दुर्दान घटना क्या सोच सकते हैं कि जो रक्षक है वही भक्षक बन रहा है? यानी पुलिस से अब रक्षा किससे इसके बाद उम्मीद कर सकते हैं क्या? मैं समझता हूँ कि यह घटना निश्चित रूप से नैतिकता के आधार पर, योगी अगर भारतीय संस्कृति के सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं तो उसके सम्मान में और उत्तर प्रदेश के और देश के लोकतंत्र के सम्मान में उनको मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को आगे बढ़ा।